नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सुनील डैंग। मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। दोस्तों, ये चैनल सब भाई लोगों की जिंदगी में काफी परिवर्तन कर रहा है, काफी चेंजेस आ रहे हैं। जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उनसे मैं आपसे आज कुछ बात साझा करूंगा। आज हम बात करेंगे डिसीजन को लेके। डिसीजन जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, डिसीजन की वजह से ही हमारी जिंदगी में काफी तरह के चेंजेस आते हैं। डिसीजन ही हमारी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। अगर आप एक गुणवत्ता भरा डिसीजन लेते हैं तो हमारी जिंदगी भी गुणवत्ता से भर जाती है। दोस्तों, हमारे सर्कमस्टांसेस का हम पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हमारे आंतरिक डिसीजन का हम पे प्रभाव पड़ता है, और ये डिसीजन से ही हमारी जिंदगी में चेंजेस आते हैं। लेकिन जरूरत है एक अच्छे डिसीजन लेने की और वक्त पे डिसीजन लेने की। आप जिस वक्त अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट करते हैं तो आपकी इनविजिबल शक्तियां आपकी जिंदगी में विजिबल होने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तभी पड़ता है जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग होता है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही चीजें आपकी जिंदगी में घटने लगती हैं। एक बाल्टी में उतना ही पानी आता है जितनी इस बाल्टी की क्षमता है। हर चीज की क्षमता है, पर इंसान की क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, जितना आप अपनी क्षमताओं के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे, उतनी ही क्षमताएं आपकी बढ़ती हैं। देयर इज लिमिट फॉर एवरीथिंग बट देयर इज नो लिमिट फॉर ह्यूमन पोटेंशियल। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की लिमिट है, लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल के लिए कोई लिमिट नहीं। आज आप देखेंगे दुनिया में कोई भी गैजेट या कोई भी चीज मिलती है तो उसके साथ एक गारंटी कार्ड आता है, लेकिन इंसान ही ऐसा है जिसके साथ कोई गारंटी कार्ड नहीं आता। हर चीज की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जो हमें भरनी पड़ती है। ऐसे हमारी भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर उसको हम भरते हैं तो हमारे परिवार को तकलीफों से हम बचा लेते हैं, अगर नहीं भरते हैं तो उसका खामियाजा हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, हम बार बार बात कर रहे हैं डिसीजन की। डिसीजन आपके लाइफ का है, आपकी चॉइस है। आपको कौन सा डिसीजन लेना है, किस वक्त लेना है और कैसा डिसीजन लेना है, ये आप ही की चॉइस है। अब आप देखो, बारिश होती है तो वो नीम के पेड़ पे भी जा रही है, आम के पेड़ पे भी जा रही है, गन्ने के पेड़ पे भी जा रही है, मिर्च पे भी जा रही है, करेले पे भी जा रही है। बारिश सब जगह एक जैसी हो रही है, लेकिन हर पौधा अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने अपने बीज के हिसाब से फल दे रहा है। ऐसे ही परमात्मा ने हर आदमी को अपार शक्तियां दी हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। परमात्मा का गिफ्ट है, हम खोल के ही नहीं देख रहे कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है। इसलिए बार बार कहा जाता है, अगर टाइम रहते हम अपने जिंदगी के डिसीजन अगर ले लेते हैं और उस जिंदगी में फ्यूचर में हमें क्या चाहिए वो डिसाइड कर लेते हैं तो सब चीजें अच्छे से हो जाती हैं। केवल उसी दिन से ही हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड होता है और हम इस जर्नी को, लाइफ की जर्नी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने डिसीजन टाइम पे लेके अपनी जर्नी को बेहतर बनाएं और लाइफ की खुशियों को लूटें। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जो नए डिसीजन लेना चाहते हैं आप उनको अपने प्लेजर के साथ जोड़ दीजिए। और प्लेजर के साथ जोड़ेंगे, जिन प्लेजर से आपका रोम रोम खिल उठे, उन प्लेजर के साथ जैसे ही आप अपने ड्रीम या गोल के बारे में सोचेंगे तो आपको उस तक पहुंचना आसान होगा। आप देखिए, एक बच्चे की जिंदगी कैसे स्टार्ट होती है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है किसी परिवार में, वो माँ बाप को एक गोल मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है लाइफ का। वो उस बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो उस बच्चे के लिए जरूरी है। वो उसकी परवरिश के लिए पूरा अपना दम लगाते हैं, उसकी एजुकेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देते हैं। वो इसलिए कि ताकि बच्चा बड़ा होके काबिल बन सके और बड़ा होके अपना और उनका बुढ़ापे का सहारा बन सके। इसलिए वो बच्चे को, जैसे ही वो बच्चा सर्विस में जाता है, जॉब में जाता है, उसको सेविंग की हैबिट भी डालते हैं। उसको बोलते हैं, बच्चा अपनी इनकम में से कुछ पैसा बचाना शुरू कर। और बच्चे को जैसे
उस बारे में नहीं समझ होती या डिसीजन नहीं ले सकता, तो पेरेंट्स ही उसके बिलीफ उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। डिसीजन क्या होता है, वो उसका एक पीपीएफ अकाउंट खोल देते हैं। पीपीएफ अकाउंट में क्या होता है कि आप 500 पर एनम से लेके 1.5 लाख पर एनम जमा कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को पेरेंट्स ही देते हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पे अननेसेसरी बोझ ना डालें। कल को जैसे इसकी सहूलियत होगी 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक, जैसा इसको सूट करेगा अपने अकाउंट में डालता रहेगा। लेकिन यहाँ अगर पेरेंट थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दें, जैसे बच्चा बचपन में चलना सीखता है तो पेरेंट्स उसको एनकरेज करते हैं, चल बेटा आ तू चल, 2 कदम तू गिरेगा नहीं, पापा संभाल लेंगे, मम्मी संभाल लेगी, उसको एनकरेज करके चलना सिखाते हैं। वैसे ही पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को बोलें आप अपनी इनकम का 10% से लेके 50% तक अभी आप जमा करना स्टार्ट करो, कहीं भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो तेरे पापा हैं तेरे साथ, मम्मी है, उसको आदत डालें। और ऐसा बच्चा आपका बच्चा है, वो कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि उसके पास पैसा नहीं होगा या वो जमा नहीं कर पाएगा। उसमें सेविंग की एक इक्वेशन है जिसको ज़्यादातर लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। आपकी जो इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो बचता है उसको वो बचत में डालते हैं, जबकि ये सही परिभाषा नहीं है बचत की। बचत की सही परिभाषा है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपकी इनकम में से पहले आप सेविंग को निकाल लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसको आपने एक्सपेंसेस की तरह यूज करना है। हम लोग क्या, आजकल जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, ज़्यादातर लोगों की सैलरी डिडक्ट होके आ रही है, किसी की 20% कट रही है, किसी की 30% कट रही है, लेकिन फिर भी हमारे काम चल रहे हैं और ठीक ठाक चल रहे हैं। यही चीज हम पहले दिन से, जिस दिन से हम सर्विस या जॉब में आते हैं, हम अपनी सैलरी का 10% 20% जो हमें कन्वीनियंट लगता है इजीली उसको सेव करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो आपका 80% बचता है उसी को अपनी सैलरी मान के अपने सारे एक्सपेंसेस करने हैं। उससे होगा क्या, पहले ही दिन से आपके जो मंथली एक्सपेंस हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। मंथली एक्सपेंस को सिक्योर करने के हमारे पास कई इंस्ट्रूमेंट हैं। आप उस पैसे को FD में डाल सकते हैं, RD में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म कोई सेविंग करनी है तो आप इंश्योरेंस में पैसे को डाल सकते हैं। क्योंकि FD, RD या म्यूचुअल फंड आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको इंश्योरेंस के लिए ही जाना पड़ेगा। इंश्योरेंस में क्या होता है, जिस दिन से आप इंश्योरेंस में आते हैं पहले ही दिन से आपकी वो सब चीजें गारंटीड हो जाती हैं जो आपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोची। दोस्तों, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, इंश्योरेंस है, ये 0.2% से लेके 7% पर 1000 तक आप, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। आप आजकल के बच्चे ज्यादातर म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, कि वो क्यों जाते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जब पैसा चाहिए आप निकाल सकते हैं। वो ठीक है, आपको जब पैसा चाहिए निकाल सकते हैं। आज अगर जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे पैसे को जमा करना और जितना लंबे टाइम तक रखेंगे, पैसा तो तभी बढ़ेगा ना। लेकिन एक म्यूचुअल फंड में हमेशा क्रेविंग सी रहती है, आपको दिखता रहता है आपका पैसा गिर रहा है, उठ रहा है, बढ़ रहा है, और आप उसका डिसीजन भी बैठे बैठे लेते हैं और 72 आवर्स में आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो इसलिए पैसा कभी जमा हो नहीं पाता। आज देखो, हर आदमी के लाइफ में 2 तरह के गोल होते हैं। एक गोल वैसे गोल जिनके साथ हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, और दूसरे गोल जो नाइस टू है गोल है। अब नेगोशिएट नहीं जिनमें कर सकते, वो गोल तो आपको पक्के से ही रखने हैं, जैसे आपकी चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है और आपकी पेंशन। ये तीनों गोल हैं जो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप इसमें, आपको 4 तरह के लेवल्स होते हैं जो आपको लेने होते हैं। मतलब एक लेवल ऐसा होता है जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कल को आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है, कुछ दुर्घटना होती है, ना करें नारायण कुछ गलत होता है, तो आपको मिनिमम आपके परिवार को किस लेवल पे रखना है, मिनिमम वाला लेवल तो आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद होता है यूज टू, जिनमें उनका ठीक ठाक गुजारा हो जाए। इसके बाद आपका जो तीसरा लेवल है वो है कि आपका परिवार एटलीस्ट रीजनेबल अपना गुजारा कर सके, और
फोर्थ जो है एस्पिरेशनल लेवल होता है। आप अपने परिवार को किस दशा में रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। दोस्तों आप अपनी जिंदगी में एक्टिव होके काम करें, ना कि स्पेक्टेटर होके। आपकी जिंदगी है, डिसीजन भी आपका है, पैसा भी आपका है, फ्यूचर भी आपका है। देखो दोस्तों सब चीजें आपको पता है, फिर भी क्या हो रहा है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको जरूरत है एक डिसीजन लेने की अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार के बारे में। दोस्तों कृष्ण जी से किसी ने पूछा कि आप तो जानी जान हैं, भगवान हैं, सब पता होता है आपको। जब युधिष्ठिर, अर्जुन ये सब जुआ खेल रहे थे, ये सब कर रहे थे, आपको पता था ये गलत है, तो आपने इनको रोका क्यों नहीं? अगर आप इनको रोकते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो कृष्ण जी ने एक चीज बोली, युधिष्ठिर हैं, उनको धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, उनको हर चीज का ज्ञान है, उसके बाद भी वो अगर ये सब कर रहे हैं तो ऐसे आदमी को रोकने से भी क्या होने वाला था। तो दोस्तों आज जरूरत है, आप लोगों को सब पता है, सब चीजों का पता है, जरूरत है एक एक्शन लेने की। अपने फ्यूचर के साथ अपने किसी भी प्लेजर को जोड़ लीजिए जिससे आपका रोम रोम खिलता है, जिस प्लेजर को सोच के ही आपको खुशी मिलती है, उस प्लेजर को जब आप अपने गोल के साथ जोड़ेंगे तो आपको एक्शन लेने में आसानी होगी। और जिस दिन से आप ये एक्शन लेंगे, आपके लिए ये एक्शन आपकी खुशियां आपकी लाइफ में भर देगा, और उसी दिन से आपके लाइफ में पीस आ जाएगा और एक बैलेंस आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी आप ये चीजें शुरू करते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम से ये चीजें शुरू कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ शुरू होगा उसी दिन से। मिनिमम लेवल, यूज टू लेवल, रीजनेबल लेवल या एस्पिरेशन लेवल, जो लेवल आप अपने परिवार को देना चाहते हैं वो उसी दिन से गारंटेड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल।